भरभराकर गिर गई स्कूल की इमारत। 5 सेकंड में स्कूल को लील गई गंगा। बाढ़ का तांडव, बच्चों की पढ़ाई के लिए आफत। महज 5 सेकंड के अंदर स्कूल की ये इमारत धराशायी हो गई। देखते देखते ये बिल्डिंग गंगा नदी में समा गई। तस्वीरें कटिहार की हैं, जहां 2 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग भरभराकर नदी में गिरी। इसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कटाव के कारण पहले से क्षतिग्रस्त स्कूल की बिल्डिंग महज 5 सेकंड में धराशायी होकर नदी में गिर गई। मामला अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र के झब्बू टोला का है। जो इमारत नदी में समा गई वो पिछले 1 साल से लटकी हुई थी, लेकिन इस बार बाढ़ के पानी का दबाव नहीं झेल पाई। स्कूल है ये उत्कर्मिक मध्य विद्यालय, इसमें से 2 कमरा कट के गिर चुका है। यह मस्जिद है, मस्जिद आधा गिर चुका है। और यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी आते हैं तो जैसे टूरिज्म में आते हैं घूमने के लिए, वैसे आते हैं और चले जाते हैं। कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला कि कुछ काम होगा। और ये आज नहीं, ये 5-6 साल से ये धीरे धीरे कटाव होते होते आज ये स्कूल गिर गया। स्कूल के पीछे घर था पश्चिम में जो भी, वो भी कट गया है। अब काम आज तक जो है कोई कटाव रोधी काम ऐसा नहीं हुआ कि जिससे कटाव रुक जाए। काम ऐसा हुआ है कि मतलब सिर्फ नाम का या दिखावा का, 4 बोरी लाया ऐसे डाल दिया चल दिया। फिलहाल अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र का बड़ा हिस्सा गंगा और महानंदा नदी के कटाव की जद में है। 1 साल पहले उत्क्रमित मध्य विद्यालय झब्बू टोला के भवन का बड़ा हिस्सा कटाव की जद में आ चुका था। उसके बाद से ये स्कूल बंद था। पर हम लोग यहाँ कटौती से परेशान हैं। यहाँ तो नदी में कटौती नहीं है, लेकिन थोड़ा हवा चलता है उसमें हम लोगों के यहाँ मिट्टी धस के चला जाता है। लेकिन ये स्कूल जो गिरा है ये कटौती से नहीं गिरा है। कल जो हवा चली इस हवा से स्कूल गिरा है। अगर थोड़ा सा इसका कुछ मरम्मत होता, इसको कोई अगर सही से थोड़ा बोरी वोरी हो जाता तो स्कूल नहीं गिरता। लेकिन यहाँ जो लोग आता है तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ गिर जाता है, तभी आता है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक नंद किशोर कुमार सिंह ने बताया कि गंगा नदी में जारी कटाव की चपेट में आकर स्कूल भवन का 2 कमरा बीते साल हवा में झूल रहा था। इस स्कूल में 990 छात्रों का दाखिला हुआ है, बावजूद इस स्कूल के बाकी बचे भवन में पढ़ाई जारी है। इस स्कूल के कैंपस में मदरसा मिसबाह उल उलूम का भी संचालन होता है। इस सरकारी मदरसे में भी 264 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण भी डरे हुए हैं और बच्चे भी। शशि कुमार, न्यूज़ लाइफ, अहमदाबाद।